हेलो स्टूडेंट्स दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप टैली में मल्टीपल लेजर कैसे बना सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि लेजर्स क्या होती है, टैली में सिंगल लेजर आप कैसे बना सकते हैं, सिंगल लेजर को कैसे अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मल्टीपल लेजर्स बनाना सिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टैली में एक कंपनी बना लेना है। कंपनी बनाने से लेकर कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अब कंपनी बनाने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। इसके बाद आप डाउन एरो का प्रेस करें, यहाँ पर डाउन एरो बटन प्रेस करें, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आपको आना है। यहाँ पर एंटर बटन आपको प्रेस करना है, फिर अकाउंटिंग मास्टर का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आपको कहाँ पे जाना है, लेजर्स पर। ये ध्यान दें, ये जो पीली पीली पट्टी आपको दिखाई देती है ऑरेंज कलर में, आपको क्या करना है, ये लेजर्स वाले पे लाना है और फिर एंटर बटन प्रेस कर देना है। अब एंटर बटन प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लेजर बनाने का कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं, जहाँ पर लिखा हो क्रिएट लेजर, तो यहाँ से हमें पैसे बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, एक आपको ऑप्शन मिलता है मल्टी मास्टर्स का, आप चाहें तो इस पर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं या ऑल्ट के साथ में एच बटन भी प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट एच इसकी शॉर्टकट कीज होती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ पर सिंगल लाइन होती है इसका मतलब होता है ऑल्ट, और जहाँ पर डबल लाइन होती है उसका मतलब होता है कंट्रोल होता है। अब अगर मान लीजिए आपको मल्टी मास्टर पर जाना है तो आपको ऑल्ट के साथ में एच प्रेस करना है, आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पे जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, टैली में बहुत ज़्यादा आपको आसानी रहेगी, जहाँ सिंगल लाइन है नीचे तो इसका मतलब ऑल्ट, और जहाँ डबल लाइन होता है उसका मतलब कंट्रोल होता है। तो हमने मास्टर्स पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको मिल जाता है मल्टी क्रिएट का, इस पर आपको सेलेक्ट करना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। अब ये आपके सामने आ जाता है, मल्टीपल लेजर बनाने की विंडो आपके सामने आ जाती है। सबसे पहले आता है अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप में मान लीजिए हमें हर ग्रुप की लेजर बनानी है तो हम यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की लेजर बनाना चाहते हैं तो स्पेस बार बटन दबाएं और यहाँ से वो ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ग्रुप की आप लेजर्स बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाली यहाँ पर डेप्टर्स नाम की लेजर बना रहे हैं तो डेप्टर्स की बना सकते हैं, क्रेडिटर्स की बनाना चाहें तो क्रेडिटर्स की बना सकते हैं, बैंक के अलग अलग लेजर्स अगर आप बना रहे हैं तो बैंकों की बना सकते हैं। पर हमें अभी क्या करना है, सबकी लेजर्स एक साथ बनाना है। तो यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बताना है, नेम ऑफ अ लेजर। जैसे मान लीजिए सबसे पहली लेजर हम यहाँ पे बनाते हैं कैपिटल, और कैपिटल फिर एंटर बटन प्रेस करें, और जो कैपिटल का ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट होता है, तो आपको अपने कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप सी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ नाम यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट, तो ये सब हाईलाइट हो। ए बटन प्रेस किया तो आप देखें, आप खाली दो नाम हमारे यहाँ पर हाईलाइट हैं। अब आपको डाउन एरोस क्या करना है, कैपिटल वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेना, मतलब इस पर आके एंटर बटन प्रेस कर दे। अभी ओपनिंग बैलेंस आपको कुछ भी नहीं देना है, बस एंटर बटन प्रेस करें, दूसरी लेजर्स पे आ जाए। फिर यहाँ पर परचेस की बनाना है तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेस अकाउंट, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पी बटन प्रेस करना है, यू बटन प्रेस करना है। जैसे पी यू बटन आप प्रेस करेंगे, देखें यहाँ पर परचेस का नाम लिखा आ जाता है, आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे 10 बार आपको सोचना नहीं, बस जो नाम आए उस नाम को आपको सेलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस किया तो हमारा हो गया, इसमें भी कोई ओपनिंग बैलेंस आपको किसी लेजर में नहीं देना है। फिर यहाँ पर है सेल्स की बनाना है तो यहाँ पर सेल्स नाम लिख देते हैं, और यहाँ पर एस ए बटन प्रेस करें एल तो आप देखें सेल्स का नाम आ जाता है, एंटर बटन प्रेस कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, मान लीजिए यहाँ पर नाम दे देते हैं श्रीवास्तव प्राइवेट लिमिटेड। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है, सभी क्रेडिटर्स हैं तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, नंबर 5 पे यहाँ पे जाना है, शिवम कंप्यूटर शॉप। फिर यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया, ये हमारे क्या है, सनरी डेप्टर्स है, तो यहाँ पर आप देख दो नाम आ जाते हैं, एस यू एन आप लिखेंगे तो क्रेडिटर्स और डेप्टर्स वाले दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। डेप्टर्स पे जाना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे अगर आप आते हैं, हमें क्या बनाना है, एडवर्टाइजमेंट की बनाना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ये हमारे लिए क्या है, खर्चा, और कैसा खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नंबर 7 पे आता है फ्रेट, फ्रेट बोला जाता है भाड़े को, यहाँ पर भाड़े की एक लेजर बना लेते हैं, किराया जो बोला जाता है वो हमारा फ्रेट कहलाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा खासतौर पर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ड्राइंग आता है, ड्राइंग हम उसको कहते हैं जहाँ पर पैसा निकालना रहता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं।
ये हमारा किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, तो कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन खास तौर पर बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल, जैसे जिस मोबाइल पर आप वीडियो देख रहे होंगे, जिस कंप्यूटर पर आप वीडियो देख रहे होंगे, अब उसका जब आपने खरीदा होगा तब प्राइस कुछ और था, पर अगर आप बेचने जाएंगे आज के समय में तो उसका प्राइस कुछ और होता है, वो जो डिप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब वैल्यू कम हो जाती है, उसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। इसका जो अकाउंट्स यहाँ पर रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझाएंगे आगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम आते हैं, सब कुछ डिटेल वीडियो आपको देंगे। अभी आपको खाली लेजर्स बनाना सीखना है कि सिंगल से कैसे लेजर बनती है, मल्टीपल से कैसे लेजर्स बनती है। आगे की वीडियोज में आपको सब कुछ ए टू जेड, वन बाई वन, ए टू जेड डिटेल्स बताएंगे। अभी आपको खाली लेजर्स बनाने फोकस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पर बिल्डिंग वाला सेलेक्ट कर लें, बी यू आई LDING, ये हमारा क्या है, फिक्स असेट होता है, असेट आता है। बहुत ही जल्द हम एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं जिनमें हम आपको अकाउंट के बेसिक्स के बारे में बताने वाले हैं, तो यहाँ पर फिक्स असेट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आता है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बना लेते हैं, कमीशन रिसीव की बना लेते हैं, कमीशन रिसीव। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें ए टू जेड हम आपको बहुत सारी लेजर्स और उनके ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा किस में आता है, इनडायरेक्ट इनकम में आता है, कमीशन हमेशा इनडायरेक्ट इनकम में ही आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मेरा SBI बैंक की जितनी भी लेजर्स आती हैं वो बैंक अकाउंट में आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, HDFC भी हमारे बैंक का नाम है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, बैंक लोन आता है, बैंक लोन हमारा आता है लोन्स एंड लाइबिलिटीज में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं SGST, GST की लेजर्स जो आती हैं, GST की लेजर हमारी आती हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो इसको सेलेक्ट कर लें। CGST की लेजर भी हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आती हैं, तो इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। IGST की लेजर्स भी हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आती है, तो इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले पे। फिर यहाँ पर सर्विस टैक्स हमारा आता है, सर्विस टैक्स, ये भी हमारा किस में आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो जितना भी टैक्स आता है वो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले में आता है। एक लेजर यहाँ पर और बना लेते हैं, मान लीजिए वैट अगर आपको कहीं पर लगता है तो वैट भी किस में आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। तो दोस्तों इसी तरह आपको 20 लेजर बनानी रहेंगी, आप देख ले हर लेजर के आगे हमने ग्रुप दिया है, सेम आपको यही ग्रुप वहाँ पर देना रहेगा, फिर एंटर एंटर एंटर, आपको इस तरह से सारी लेजर्स यहाँ पर बना लेना है। अब मान लीजिए अगर आपको लेजर्स डिलीट करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखें डिलीट करने के लिए आप सिंगल ही डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं डिलीट कर सकते। मल्टीपल डिलीट करने के ऑप्शन होते हैं पर बहुत ही कम यूज होते हैं, पर सिंगल डिलीट वाले ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सिंगल से आपको लेजर डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन आपको देता है अल्टर का, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको किसको सेलेक्ट कर लेना है लेजर, आप देखें यहाँ पर लेजर दिया है। अब जितनी भी लेजर आपने बनाई थी वो सारी लेजर्स आपको यहाँ पर दिखा देता है। मान लीजिए किसी लेजर्स को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो एंटर बटन प्रेस करें, ऑल्ट के साथ डी बटन प्रेस करें, देखिए यहाँ पर आ जाता है यस, फिर एंटर करेंगे लेजर डिलीट हो जाएगी। बैंक लोन के डिलीट करना है तो यहाँ पर एंटर, ऑल्ट डी, फिर एंटर। यहाँ पर ध्यान दें यहीं पर ऑल्ट डी ना प्रेस करने लगे, आपको एंटर बटन प्रेस करके लेजर ओपन करना है, फिर ऑल्ट डी बटन प्रेस करना है, फिर एंटर करना है। मान लीजिए आपको किसी लेजर में चेंजेस करना है तो यहाँ से चेंजेस भी आप कर सकते हैं। जैसे लेजर्स में गए, हमने कहा यहाँ पर कमीशन वाली है, कमीशन रिसीव है, तो यहाँ पर हमें मान लीजिए एड्रेस भी देना है, तो हम एड्रेस पे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए एड्रेस नहीं देना, बैंक डिटेल्स हमें यहाँ पर देना है, तो इसको यस कर देते हैं। किसी बैंक का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आधार, चेक, फंड ट्रांसफर, ये सब कुछ अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं देना है तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नो रख सकते हैं, यहाँ पर नो कर देते हैं। तो इस तरह कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आ जाते हैं शिवम वाले पे आ जाते हैं, मान लीजिए इनका एड्रेस भी हमें यहाँ पर देना है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं शिवम पर, यहाँ पर हमने लिख दिया गोमती नगर, तो एड्रेस भी हम दे सकते हैं, फिर एंटर 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 करके आप एक्सेप्ट करा दें।
मतलब इस तरह से अगर आपको चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीपल लेजर कैसे बना सकते हैं, किस तरह से बनती है, किस तरह से डिलीट होती है, किस तरह से चेंजेस होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हमने आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग और नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।